हाय डियर फ्रेंड्स, एक 2022 का न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आया है MES ट्रेड्समैन भर्ती, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे वैकेंसी आउट हुए हैं, जिसमें कि 10th 12th ITI सभी के लिए वैकेंसी आउट हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हूँ। तो इस वीडियो हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें वैकेंसी कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट पर इसमें वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी के लिए वैकेंसी, जैसे कि JEE सिविल के लिए और JEE के लिए, सुपरवाइजर के लिए, UDC LDC जो आप देख सकते हो यहाँ पर, वो 10th पास के लिए, MTS स्टेनो, यहाँ पर सब मीटर रीडर, यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी आउट हुए हैं। तो मैं आपके लिए एक अलग से जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है सभी में, वहाँ पर मैं आपके लिए ले चलता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ कि आपके लिए कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी वैकेंसी 10th के लिए, कौन सी वैकेंसी 12th के लिए एंड कौन सी वैकेंसी IT होल्डर्स के लिए है, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एंड क्या सिलेबस है और कितनी सैलरी है। सब कुछ मैंने आपके लिए टाइप करके रखा है, तो वहाँ पर मैं ले जाता हूँ, आपके लिए दिखा देता हूँ। इस नोटिफिकेशन से अच्छा वहाँ पर आप समझ सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर देखिए MES ट्रेड्समैन भर्ती 2022 नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि 4591 यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड्स यहाँ पर पोस्ट नेम विथ कोड नंबर सब कुछ आप देख सकते हो। जो MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस की वैकेंसी जो आउट हुई, यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रेड नेम यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर देख सकते हो JEE सिविल के लिए 97 पोस्ट हैं, JEE M71 है, JEE QS एंड C के लिए 51 यहाँ पर पोस्ट है, D मैन के लिए 54 पोस्ट है। पहले मैं आपके लिए पोस्ट बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद मैं आपके लिए बताऊँगा कि कौन सी पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हो तो सुपरवाइजर BS के लिए 01 पोस्ट है, SK सेकंड के लिए 18 पोस्ट है, UDC एंड SAA के लिए 68 पोस्ट है। वीडियो में पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि UDC क्या है, SAA क्या है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। CMD OG के लिए 145 पोस्ट है, MTS के लिए 275 275 पोस्ट है। यहाँ पर CHOWKH के लिए 01 पोस्ट है, मीटर रीडर के लिए 15 पोस्ट हैं एंड कैन मैन के लिए 01 पोस्ट हैं, मैट SSK के लिए 3563 पोस्ट हैं, मैट SSK के लिए 3563 पोस्ट हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख सकते हो कि 4551 पोस्ट हैं, 4551 जो काफ़ी अच्छी भर्ती यहाँ पर आउट हुई है। आपके लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से, यहाँ पर अप्लाई होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, MES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसीलिए मैंने आपके लिए अलग से डिटेल देने की कोशिश की है। शॉर्ट नोटिफिकेशन उतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, आपको समझ में नहीं आएगा। आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से, हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। एप्लीकेशन फी जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रहने वाली है एंड SC ST कैंडिडेट के लिए फ्री रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल गई होगी कि यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, आपको ये जानकारी मिल चुकी है। यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ से देखिए, आपकी मिनिमम एज लिमिट है जो 18 ईयर रहनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर है। देख सकते हो द मिनिमम एज ऑफ द एप्लीकेशन इज 18 ईयर एंड द मैक्सिमम एज इन 30 ईयर्स 1 जुलाई 2022 तक आपकी रहनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST OBC के लिए, जो सभी जॉब में मिलता है भाई, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। OBC में 3 ईयर्स का, SC ST में आपके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं फिजिकल टेस्ट डिटेल की बात करते हैं, तो कि फिजिकल आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर चाहिए आपके लिए लाइट बैकग्राउंड फ़ोटो एंड 10th की मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज चाहिए, ऑल द बेस्ट। जो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। MES ट्रेड्समैन भर्ती 2022 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए SK सेकंड जो पोस्ट थी वहाँ पर 12th पास और इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, अगर आप ट्वेल्थ पास तो एस की सेकंड में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो में आपके लिए ट्वेल्थ पास होना जरूरी है और यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट नोट जो आपने स्टेनो ट्रेड की है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसमें डिक्टेशन आपका होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS और 60 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। UDC में आपके लिए डिग्री चाहिए, UDC जो पोस्ट मैंने बताई थी वहाँ पर डिग्री चाहिए, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और LDC में आपके लिए ट्वेल्थ पास तो आप LDC में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 WPM और हिंदी टाइपिंग चाहिए 3 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, तो आप LDC में अप्लाई कर सकते हो। एंड CMD में यहाँ पर आप 10th पास अगर हो यहाँ पर देख सकते हो, CMD पोस्ट के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, यहाँ पर कोई से बोर्ड से भी अगर आपने 10th पास किया है तो आप यहाँ पर CMD में अप्लाई कर सकते हो। जो प्यून की है वहाँ पर भी आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। चौकीदार की यहाँ पर 10th पास अप्लाई कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट थी मैंने बताई थी। यहाँ पर आपके लिए फिजिकल फिट होना जरूरी है चौकीदार के लिए, ठीक है। सफाई वाला में आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर चौकीदार KH के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हो काफ़ी सारे वैकेंसी जो 10th पास के लिए। MTS यहाँ पर आप मैंने जो वैकेंसी बताई थी उसमें भी 10th पास है। यहाँ पर डिप्लोमा के लिए भी है, डिप्लोमा इन कुकिंग कैटरिंग वालों के लिए है। चौकीदार में CHOW KH में जो है उसमें डिप्लोमा वालों के लिए और IT वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। कैनमैन के लिए यहाँ पर 10th पास आप हो अगर कर सकते हो, यहाँ पर आपके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम। कैनमैन में यहाँ पर आपकी IT पास होना जरूरी है और 10th + IT होना जरूरी है। मीटर रीडिंग होना चाहिए 10+2, एग्जामिनेशन आपका 12th होना जरूरी है, ठीक है। मीटर SSK में आपका 10th होना जरूरी है और यहाँ पर देख सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI भी होना जरूरी है। तो ITI 10th और 12th सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई, मैंने बोला था आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 15 जुलाई से होने वाले थे बट अभी तक इसका फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ। तो अभी कोई जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें डेट आएगी आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब तक एप्लीकेशन भरे जाएंगे, वो सब उसमें डिटेल आ जाएगी। तो फुल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर आपको फुल नोटिफिकेशन मिली जाएगा। और हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर के, एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक जैसे कि आपका ITI है, जो भी है स्पेशलाइज्ड टॉपिक वो 50% रहने वाला है आपका, 50 नंबर का रहने वाला है। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी यानी कि फुल जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है। आपको सभी कुछ जानकारी अगर आप चाहो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको फुल जानकारी MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस पोस्ट के बारे में सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो टेक एग्जाम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को उस पोस्ट के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।